अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। शारदा से रात को सफ़र हमने आज जो है वो तकरीबन कोई 8-8.30-9 बजे के करीब जो है वो हम ये शारदा से थोड़ा सा पहले रिवर बैंक पे जो है रिजॉर्ट बना हुआ था वहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। मेरी हालत इस तरह की थी कि मैं आते ही जो है वो कैंपिंग करने में भी तकरीबन जो है वो सामान वगैरह मोटरसाइकिल से ना उतारना और साथ में कैंप वगैरह फिट करने में जो है वो तकरीबन घंटा एक लग गया और 10:30 बज चुके थे तो मैं पूरी तौर पे सो गया। अब सूरत हाल इस तरह की है कि शारदा जो है वो इस साइड पे है, ये सामने शारदा और हम जहाँ पर रुके हैं ये जो है अगर आप देखें ये ऊपर मेन रोड है जहाँ से हम इस रिज़ॉर्ट के लिए नीचे उतरें और ये रिज़ॉर्ट ये कैंप लगे हैं, तीनों कैंप लगे हैं, एक और ये दूसरा और ये तीसरा और ये सात नीलम और नीलम के साथ ये किशन घाटी की पहाड़ी। तो अब की सूरत हाल ये है कि सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरी साथ साथ भी उठ गए। हाँ जी प्राग साहब, ये चप्पल चेंज कर लो मुझसे। तो प्राग साहब जो हैं वो भी फ्रेश होने जा रहे हैं तो अब यहाँ से फ्री हो के फिर आपसे बात होगी। ये देखें यहाँ से रात को ये जाली लगाई थी इन्होंने। कितनी मछलियाँ आई हैं? चार? तीन? नहीं, तीन मछलियाँ आई ट्राउट। शारदा से अब हम निकल रहे हैं ताऊबाट केएल की जानिब और फैसल चौधरी जो है जीएस के जो भाई आए हुए थे उन्हें कोई एमरजेंसी हुई है जिस वजह से अब वो वापस जा रहे हैं और हम चार बाइक्स जो हैं फिर अब वो इस तरफ को आगे जाएंगे। ये सूरत हाल है, शारदा इस तरफ है बिल्कुल करीब ही और मुजफ्फराबाद इस तरफ और ये जो मेरे कब में पहाड़ है इसको किशन घाटी कहते हैं। राम कृष्ण के मंदरात और खंडरात है यहाँ पर और काफ़ी जो है वो रिलीजियस वाले से हिंदुओं के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल ये जगह है। ये 2-3 घंटों की ट्रैकिंग है और ट्रैकिंग करके जो है बग़ैर गाइड के जो है वो ट्रैकिंग नहीं कर सकते क्योंकि LOC भी यहाँ पे बिल्कुल करीब है और दूसरा ब्लैक बियर भी यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ के मुकामी लोग कह रहे थे कि आप बग़ैर गाइड के ना करें और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी बग़ैर गाइड के जो है वो इजाज़त नहीं देते कि जो टूरिस्ट हैं वो कहीं गुम ना हो जाएँ या लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब करीब ना पहुँच जाएँ क्योंकि बिल्कुल करीब लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर और देखते हैं अब क्या होता है। सो फार सो गुड, पैकिंग जो है बाइक्स की हो चुकी हुई है, नाश्ता कर लिया हुआ है और अब बस जो है वो रखते सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे, बांधेंगे और शारदा से होते हुए शारदा मेन बाज़ार से होते हुए केएल और आगे ताऊबाट और
शॉन्टर वगैरह जहाँ तक जा सके, क्योंकि रास्ते वगैरह अभी भी नहीं खुले। जून शुरू हो चुका है लेकिन रास्तों की सूरत हाल जो है वो मुकामी ये कहते हैं कि अब भी कोई इतनी बेहतर नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकलने की तैयारी है यहाँ से। तीसरे दिन यानी मंगल के रोज़ सफ़र का आगाज़ अपनी कैंपिंग साइट से किया और शाहराए नीलम से होते हुए शारदा बाज़ार पहुँचे। शारदा बाज़ार इस इलाके का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम बुनियादी अशिया दस्तयाब हैं। शारदा बाज़ार क्रॉस करते ही दरियाए नीलम और वादिये नीलम का हुसन दुबाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुलंद उबाला पहाड़, दरख्त और ग्रीनरी अपनी कुदरत के हुसन बिखेरे नज़र आती है। शारदा से केल का रास्ता ऑफ ट्रैक या ऑफ रोड भी कहा जा सकता है। ट्रैफिक को रवाना रखने के लिए तामीराती मशीनरी जगह जगह अपना काम करती हुई दिखाई देती है। ज़िला नीलम की तहसील केल भी एक गुंजान आबाद टाउन है। यहाँ पर भी पेट्रोल जैसी बुनियादी ज़रूरियात बासानी दस्तयाब होती हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप यहाँ पे मौजूद नहीं, इसीलिए यहाँ पर पेट्रोल दुकानों पर फ़रोख किया जाता है। तो केल पहुँच चुके हैं, केल से अब आगे शाउंटर के लिए। बाइक्स में जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। मैंने तो 5 लीटर डलवाया, क्योंकि शाउंटर तक जो है वो पेट्रोल कहीं से नहीं मिलेगा। तो मुश्किल और परेशानी से बचने के लिए सारा कुछ किया है कि सब ने जो है वो अपना फ्यूल जो है वो एक्स्ट्रा किया है ताकि परेशानी ना हो। बाकी जो होगा बेहतर होगा, होप फॉर बेस्ट। तो केल से दो रास्ते जाते हैं, राइट जाता है ताबट और लेफ्ट जाता है शाउंटर। तो फैसला ये किया है कि शाउंटर की तरफ जाएंगे। तो अब हम इसमें शाउंटर की तरफ रख के सफ़र बांध लिए। इंशाल्लाह शाम से पहले शाउंटर होंगे और शाउंटर के नज़ारे आपसे शेयर करें। केल से शाउंटर का रास्ता खूबसूरत और कुदरती हुसन से मालामाल है। कहीं पानी के झरने और कहीं टूटी फूटी सड़क, लेकिन बदकिस्मती से बारिश की वजह से इस खूबसूरती को कैमरा की आंख से कैप्चर ना कर सका। दुमेल से सही है, दुमेल नीचे वाला दुमेल है। ये गाँव मेरे पीछे आप दिखाई दे रहा है, यहीं पे हम स्टे कर रहे हैं। इतने रास्ते बहुत ख़राब हैं और जस्ट जो है वो अभी 8-10 दिन हुए हैं, हफ्ता डेढ़ हुआ है रास्ते खुले हैं। तो बाइक चला चला के खासी थकावट हो चुकी थी, तो यहीं पर रुके हैं। शाउंटर या दुमेल पाइन का कस्बा एक इंतहाई रिमोट इलाके में वाकया है। यहाँ पे कुदरत और फितरत दोनों मिक्स नज़र आती है। लोग खुश मिजाज हैं
और नज़ारे बेमिसाल हैं। यहाँ पर अकेले बैठकर चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। ये रास्ता यहाँ पर मोरी की तरफ जा रहा है और हम आए हैं कुमेल की तरफ से, जो नीचे वाला कुमेल है, कुमेल वन। और कुमेल से दो रास्ते निकलते हैं। लेफ्ट वाला रास्ता जो है वो चिलास की तरफ जाता है, जो मोरी गांव तकरीबन 8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है। मोरी गांव से कोई 2 दिन का सफ़र है। जो मोरी की जानी जो रास्ता जा रहा है उस पर ट्रैकिंग करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते में जो है वो लैंडस्लाइडिंग भी थी, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किलात हैं आने जाने में। और यहाँ पर चाय का एक अपना मज़ा है। यहाँ का व्यू क्या है, चाय कहाँ बैठ के मैं पी रहा हूँ वो ज़रा खुद ही चेक कर रहा दिखाता हूँ। ये देखो नीचे पहाड़ है और इस जाने जो है वो एक नाला बह रहा है। ये व्यू पर बैठ कर जब आप चाय पीते हैं तो सारी थकान उतर जाती है। शाउंटर या दुमेल पाइन को झरनों, नालों और पहाड़ों की सरजमीन कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन यहाँ पे रोड एक्सेस बेहतर ना होने की वजह से, आए रोज़ लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाउंटर या दुमेल पाइन का रास्ता नीलम के बड़े शहरों से मुनकते हो जाता है। शाउंटर या दुमेल पाइन पहुँच कर अपने सफ़र का इख्तिताम किया और रात यहीं ठहरने का फ़ैसला किया।